मौसमों ने बदला है नया ढंग, तो पौधों पर भी आ गया है नया रंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डनिंग। गार्डनिंग कीजिए और खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, लगातार बारिशें तो नहीं हो रही, कभी कभी सूरज जो है बादलों की ओट से निकल ही आता है और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और हवा भी चल रही है। इस वक्त शाम के 7 बजने को है, लेकिन सूरज अभी तक नहीं डूबा। तो फ्रेंड्स, ये देखें कितने खूबसूरत सदाबहार पे जो फूल लगे हैं, पर्पल और ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। हर प्लांट जो है उस पे निखार आ गया है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, बहुत खुशगवार हो गया है। ऐसे में गार्डनिंग करने का बहुत मज़ा आता है, तो आप लोग भी गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। लाइफ में कम अज़ कम एक प्लांट तो बनता है। तो फ्रेंड्स, ये देखें फर्न जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी मैंने जो है थोड़े से उसमें से निकाल के उसका एक बंच जो है वो यहाँ पे लगा दिया था, एक प्लांट उसका निकाल के, बेबी प्लांट। तो ये बहुत खूबसूरती से अब ग्रोइंग पीरियड जो है इसका स्टार्ट हो गया। मैं सोच रही थी आप लोगों को अपने गार्डन की थोड़ी सी अपडेट देती हूँ, तो आप लोगों के साथ इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की है। तो ये देखें, ये वाइट कलर के पॉट में मैंने पर्पल हार्ट लगाया। वाइट और पर्पल का कंट्रास्ट जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत फ्रेश लीव जो है इस वक्त निकल रहे हैं, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश लैंडस्केपिंग बनाने की। तो इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स का यूज़ किया है। इस पे एक डिटेल वीडियो है जो मेरे ख्याल में अभी तक मैंने अपलोड नहीं की। तो ये जितने भी मेरे पास टूटे हुए गमले थे, ये मैंने इसमें यूज़ किए, और ये 6-7 दिन हो गए इसको बनाए हुए। और क्योंकि बारिशें अच्छी हो रही हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स इनका रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। यहाँ पे जो है मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं। बहुत दफ़ा जो है गार्डन को समेटती हूँ, प्लांट्स को तरीके के साथ रखती हूँ, लेकिन जो ही कुछ नए प्लांट्स को लगाती हूँ फिर से ये सारा मैस क्रिएट हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये आयरिसिन के प्लांट को आज पानी नहीं दिया था, तो ये थोड़ा सा नाराज़ हो गया है। और ये इसके पत्ते देखें कैसे लटक गए। अभी इसको पानी आके दिए, अभी देखिए थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो है मैंने बॉक्सवुड के 2 प्लांट लगाए हैं, और इसके ऊपर ये केज सा बनाया है, बॉल सा बनाया है, गोल बिल्कुल, ताकि जो बॉक्सवुड के प्लांट्स हैं वो इसके अंदर ही ग्रो करें। इसकी भी न्यू शूट्स जो हैं वो निकल रही हैं। और रेलवे क्रीपर वाइन ये बहुत खूबसूरती से जो है वो ग्रोथ कर रही है। और आज मेरे साथ मेरी छोटी सी फ्रेंड जज़ब भी है, और वो मुझे पूछ रही है कि इस प्लांट पे जो फ्लावर्स आए हैं उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये लंताना के फ्लावर है पर्पल कलर में। ये ट्रेलिंग लंताना है, एक तो प्लांट वाली होती है ना, पौधे वाली, ये थोड़ी सी आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। ये ट्रेल करती है, थोड़ी सी लैंकी होती है, और इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। और ये देखें फ्रेंड्स, पर्पल कलर की जो फ्लावरिंग है कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये साथ में स्वीट पोटैटो वाइन है, और ये करंदवा, ये भी खूबसूरती से जो है वो। और ये यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है फ्रेंड्स, और ये मैंने हार्ट बनाया हुआ था स्वीट पोटैटो वाइन के लिए, कि मैं इसके ऊपर जो है इसको सारा घुमा दूंगी, लेकिन ये जो है मॉर्निंग ग्लोरी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और फ्रेंड्स, ये देखें, ये इसको लिपटना शुरू हो गई है, और इस पर जो है वाइट जो मिली बग हैं उनका अटैक भी शुरू हो गया है। इनका भी इलाज जो है हमें जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरे प्लांट्स को भी अफेक्टिव कर देगी। आंटी, इसके फर वाले क्यों हैं? मुझे कुछ काटा है। आप इसको हाथ नहीं लगाएं बेटा, ये इससे ना छोटे छोटे से ना इंसेक्ट होते हैं। तो ये इसका फर वाले क्यों है? ये
वो उसकी स्किन होती है। मेरी इस फ्रेंड को प्लांट्स के बारे में ना जानना, उसका नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है। ये चंपा पे देखें, फ्लावरिंग अभी तक हो रही है, बिल्कुल छोटा सा एक फ्लावर जो है वो खिलने वाला है फ्रेंड्स। इसका नाम कनेर है, ये पिंक कनेर है। कनेर पे भी फ्लावरिंग होती रहती है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे हिबिस्कस जिसे गुले अशरफी भी कहते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये इस पर भी जो है अटैक जो है वो हो गया है वाइट मिली बग का। इनका जो है अब मुझे इलाज जो है वो करना पड़ेगा। उबले हुए चावलों का पानी जो है आप उसको बॉटल में भर के रखें, और ऐसे इंसेक्ट जब अटैक करें तो आप शावरिंग कर दें, उससे जो है ये जो वाइट कलर के इंसेक्ट हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये अंगूर की बेल देखें फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी हो गई है और लेंकी भी हो गई है। इसका भी जो है मुझे इलाज अभी करना है, कुछ ऐसा इसके साथ बांधना है जिससे ये ऊपर की तरफ जो है क्लाइम कर जाए। और ये तोरी बड़ी खूबसूरती से पिंजरे को कैच करते हुए इसने अपना घर बना लिया है इस पर। और फ्रेंड्स ये बहुत खूबसूरत लगती है, ये देखें, इससे एक तो पिंजरा ढक जाएगा, धूप से जो है बचत हो जाएगी, ठंडा रहेगा। और ये पॉलीथीन के बिल्कुल नीचे भी जो है इसने रास्ता बना लिया। और ये यहाँ पे क्लाइंबिंग रोज़ है, ये अमरूद का लगाया था पौधा, ये अनार है, और यहाँ पे बैंगन है। बैंगन का फूल जब भी आता है गुलहरी आके खा जाती है। और ये यहाँ पे ग्रीन और रेड चिलीज लगी हुई हैं, और पुदीना सूख गया है लेकिन अब दोबारा से ग्रो होना शुरू हो गया। और यहाँ पे सारे गुलाब है। गर्मियों में गुलाब के फूलों का साइज़ जो है ना फ्रेंड्स छोटा हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है कोई भी, ये देखें छोटे हो जाएंगे। सर्दी आते ही जो है फूलों का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैक्सिकन पेटोनिया के प्लांट्स हैं, और इन पे डेली फ्लावरिंग होती है लेकिन मैं सुबह लेट आती हूँ छत पे धूप की वजह से, तो फूल जो है सूख के मुरझा के गिर जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस पे पर्पल कलर का फ्लावर आता है और ये सुबह मेरे ख्याल में गिर गया है। और ये जी लंताना के ऑरेंज वाले फ्लावर हैं, बहुत खूबसूरत कलर है इनका। और पहले ये फूल खिले हैं फ्रेंड्स तो ये गिर जाएंगे, इसके बाद नए फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा साल तकरीबन लंताना के प्लांट्स पे ना फ्लावरिंग होती रहती है। एक मैं आपको लंताना का प्लांट दिखाती हूँ, वो मैंने शिफ्ट किया था और उसका वो बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो फ्रेंड्स ये बारिशों के दिनों में उसके देखें यहाँ से ये ग्रो कर गया। मैं एक दिन इसको उखाड़ देने लगी थी कि शायद अब ये ना चले, लेकिन बारिशों के बाद जो है मैंने देखा तो नई कोंपलें जो है वो यहाँ से फूट रही थी इसकी। और ये सुल्तान, और ये उसकी तीन बेगमात, और यहाँ पे भी प्लांट्स पड़े हुए हैं। और ये वायला की जो है प्लांट्स हैं छोटे छोटे, ये सर्दियों में ग्रो अच्छे से करते हैं और गर्मियों में जो है इसका ये गर्मी की वजह से बिल्कुल छोटा सा रह गया प्लांट मेरा। तो ये थी मेरे प्लांट्स की अपडेट फ्रेंड्स मॉनसून के बाद। ये देखिए मैरीगोल्ड की मैंने कटिंग लगा रखी है और बड़ी अच्छे से चलना शुरू हो गई है। और ये यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये ड्राइसिनिया की कटिंग भी अच्छी ही हो गई है ये, और बहुत अच्छे हो गए हैं पौधे, कलर उनका निखर गया है बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे धो दिए। ये रबर प्लांट देखें कितना खूबसूरत हो गया है, बहुत प्यारा लगता है। इसके पैचेस देखें कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने प्रीटी लगते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और
आफ्टर मूनसून आप भी देखिएगा अपने गार्डन को गौर से, तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे ये देखें मदर ऑफ थाउजेंड्स पे कितने खूबसूरत इसके बेबीज आए हैं, और देखने में ये कितना खूबसूरत लगता है, कितना प्यारा लीव लगता है फ्रेंड्स, ये देखें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।